नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीपी कार्यकर्ता और समान सचिव पीएचई एमोलाइज एसोसिएशन की देखरेख में कैजुअल लेबर और बेस बेकर्स की जरूरत है। बाशिर अहमद मालिक और सीपी अध्यक्ष मुंशी खान ने थाना मंडी में एक विरोधी प्रदर्शन किया और संघ की वास्तविक मांगों को उठाया। उन्होंने कहा कि सीपी कर्मचारियों का वेतन पिछले 6 महीने से लंबित है। उनको धमकी दी जा रही है कि अगर हम पीएचई विभाग, डीपी वर्कर्स की जरूरत और जिला राजौरी में आधार और लैंड ओनर की जरूरत है तो पीएचई विभाग द्वारा अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जाएगा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं मुंशी खान, सीपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कैजुअल लेबर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एलजी साहब ने जो है डीडीसी इलेक्शन से पहले हमारे साथ कैजुअल लेबर के साथ वादा किया था कि इसमें चाहे नीड बेसिस है, वर्कर है, सीपी वर्कर है, आईटीआई वर्कर है, लैंड ओनर है, कोई भी है, इनके साथ इंसाफ किया जाएगा और इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन होने के बाद जो है, रिजल्ट होने के बाद जो है, इस चीज के ऊपर कोई फैसला देंगे। तो इन्होंने ये हमारे जो है इस कैजुअल लेबर के बारे में कोई मस्बत जो है वो रद्दअमल नहीं किया है। लिहाजा मैं आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मीडिया के माध्यम से मैं एलजी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो ये वोचर का मामला है, जो आप यहाँ से ही आप अंदाजा लगाइए, जो हमारे साथी लगे हैं 20 साल से, 25 साल से, जिनका जो 2003 से, 4 से, 2 से, 6 से लगे हैं, 8 से लगे हैं, उनके 3 वोचर हैं, तो जो 2014 के बाद वाले लोग लगे हैं उनके कैसे 12 वोचर आ गए, उनके कैसे 13 वोचर आ गए। लिहाजा इस पर, इस चीज की जो है वो पूरी, मैं जनाब एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मनोज सेना साहब से ये अपील करना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, मीडिया के थ्रू से, कि जो ये हमारे गरीब साथी हैं, इनके साथ जो है ये सातू या सोतीली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। इनके साथ जो है वो जो इनकी बेहतरी है, जो इनकी जिंदगी का मकसद है, क्योंकि 20-20 साल, 25-25 साल हमारी जो है वो जिंदगी खत्म हो गई है इस वर्किंग में और इस पीएचई के खाते में, पीएचई के महकमे में। तो लिहाजा हमारी बीवी, बच्चे, हमारे जो भी है, हमारा सब कैरियर खत्म हो चुका है और जो ये वोचर का मामला है, लिहाजा मैं ये एलजी साहब से दोबारा रिक्वेस्ट और अपील करना चाहता हूँ कि 8 का, अगर 2008 वाला या 6 में लगा है या 8 में लगा है या 4 वाला है, उसके अगर 2 वोचर या 4 हैं, तो 2014 के बाद वाले का वोचर जो है 10 हो गए या 12 हो गए या 20 हो गए, वो कैसे बन गए? एक तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा दूसरा, अगर इन चीज़ों की छानबीन ना हुई, दूसरा जो हमारा जो टेलीविजन की पे का मामला है, हमारा सीपी वर्कर जो है, सीपी वर्करों की तनख्वाह का जो मामला है, वो तकरीबन 5-6 महीने से हमें कोई तनख्वाह नहीं मिली है। लिहाजा मैं ये एक्शन साहब से भी, एडब्ल्यू साहब से भी, मैं तमाम जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है और ये इनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये हमारी पे का जो है ये जल्दी जल्दी हमारी पे रिलीज करें। अगर नहीं तो हम सड़कों पर आएंगे, गाड़ियाँ बंद करेंगे, रोड बंद करेंगे, हाईवे बंद करेंगे, इनकी पानी बंद करेंगे। मैं एलजी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, इसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन इसी पे खत्म कर रही। मैं पीएचई एम्प्लॉय एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज की जो ये जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पर, ये नीड बेसिस सीपी वर्कर, डेली वेजेस यहाँ पर जितने भी इकट्ठे हुए हैं, मेरे सदारत यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ, आपने पहले भी ये आप देखा है, आप सुबह से यहाँ पर इन डेली वेजों को वाच कर रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी जो है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे लोग यहाँ पर, आपको पता है कि सुबह से ये लोग चला रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी ये इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि यहाँ पर जितने भी वोचर जो हैं, जो 2005-4 से लेकर 2018 तक लगे हुए हैं, जो 18 या 20 के लगे हैं, उन लोगों के 20-20 वोचर जो हैं इन्होंने बनाए हुए हैं। बाकी जो लोग 2006-8 और 10 के लगे हैं, उनके 5 या 4 वोचर या 2 भी नहीं नज़र आ रहे हैं। ये जो हेरा फेरी है ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हो रही है। अगर इस पर, इसका फौरी तौर पर इस अमल नहीं किया गया तो ये इंशाल्लाह आप देख लेना कि हमें हमारे ये जितने भी वर्कर हैं, जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ के हैं, ये हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से हम इस चीज़ की इंक्वायरी करवाएंगे और इसको जो गलत वोचर होगा उसको उसके खिलाफ जो है वो सीबीआई केस के अंदर भेजा जाएगा। और जो ये गरीब लोग, ये जो गरीब लोग हैं, जाली वोचर, जाली वोचर, बैकडोर एंट्री बंद करो।
जो जाली वोचर जो बनाए जा रहे हैं, जो जैसे ये एम्प्लॉयज कह रहे हैं, ये नाइंसाफी है और इस नाइंसाफी को फौरी तौर पर बंद किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर ये वो वक्त दूर नहीं है कि ऑनरेबल गवर्नर साहब के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये पहला कदम उठाया है कि गरीब डेली वेजरों को हम रेगुलर कर रहे हैं। और अगर वो इस कदम पर परमानेंट लोगों को परमानेंट कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर रजौरी के अंदर गुंडागर्दी जा रही है और यहाँ पर जाली वोचर जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसकी इंक्वायरी, इसके इस रिकॉर्ड की पूरी इंक्वायरी की जाए और लोगों के पास, यहाँ पर हमारे पास जो पुराने लोग लगे हैं उनके पास वोचर मौजूद हैं, वो उनको 2 वोचर दिखा रहे हैं और जो 18 और 20 के लगे हैं उनको 20-20 वोचर बता रहे हैं। ये नाइंसाफी है। मैं ऑनरेबल जनाब गवर्नर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप, हम खुशनसीब हैं कि आपने गरीब लोगों के लिए एक अहम कदम उठाने की कोशिश की है और ये लोग जो हैं इनकी सही तरीके से जो लोग फॉल करते हैं उनको रेगुलर किया जाए और इनकी जो पेंडिंग तनख्वाह है सीपी वर्कर नीड बेसिस और कैजुअल लेबर की जितनी भी जो लेबर में काम कर रहे हैं इनकी तनख्वाह जो है वो बाजगार की जाए। इंडियन प्राइम न्यूज़ के लिए जम्मू कश्मीर से सुहेब रंगरेस की ये खास रिपोर्ट।